हेलो, वेलकम बैक। क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड। उनके एग्ज़ाम जो जैक द्वारा लिया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये बातें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं होगी। तो इन सारी बातों को समझ लें, सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लें और अपने मार्क्स को लें। आप एकदम बिल्कुल बोल्ड होकर के एग्ज़ाम देंगे, बिल्कुल शांति से एग्ज़ाम देंगे। इन सारी बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं तो चलिए देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो क्या, परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। आपकी परीक्षा की अवधि जो है वो 3 घंटे की होगी, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। आपके जैक एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे की होगी है, तो घबराना नहीं है, आपको बहुत समय दिया जाएगा जैक परीक्षा के लिख रहे 8 क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी समय है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो 3 घंटे की परीक्षा होगी। फिर अगला पॉइंट जो है, OMR सीट पर दिए गए सूचना का मिलान करने के उपरांत ही OMR सीट भरें। यानी OMR सीट जो दिया जाएगा उसमें जो सूचनाएँ दी जाएगी उसको आप बढ़िया से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और उससे मिलान कर लेंगे। आपका जो एडमिट कार्ड हैं होगा उससे आपको मिलान कर लेना होगा और उसके बाद ही उसको भरना होगा। यानी सारी बातों को आपको समझ लेना होगा, सारे पॉइंट्स उसमें जो दिए हुए हैं उसे समझ लेना होगा, अपने एडमिट कार्ड से मिला लेना होगा, उसके बाद ही OMR सीट को भरना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सिर्फ उस विकल्प संख्या को गहरा काला नीला करें जिसे आप उस प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर मानते हैं। यानी प्रश्न दिए रहते हैं, उसके बाद जो ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस में जो सबसे उपयुक्त, जो सही ऑप्शन होगा जिसे आप टिक करना चाहते हैं, तो टिक आप नहीं करेंगे, उसे क्या करेंगे, उसे घेरा लगाएंगे। तो घेरा लगाने का तरीका क्या है ये भी आप देख लें। देखिए, एक उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, ये गलत है, यानी टिक आपको नहीं लगाना है, ये गलत है, आपको क्रॉस नहीं करना है, और ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है पूरा कलर नहीं है, जो आपको सर्किल दिया हुआ रहता है उसे पूरा कलर करना होता है। ये सही है, क्यों? क्योंकि जो 2 नंबर सर्किल है उसे पूरा कलर किया गया है, ठीक है। तो इसे आप आराम से करेंगे, कोई घबराहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गोले को पूर्णतः गहरा नीला चिन्हित करें, उसको डीप करना है, यानी बढ़िया से उसको कलर करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, OMR सीट पर सावधानीपूर्वक सभी विवरण पढ़ें। OMR सीट में, इसको पहले भी बताया कि OMR सीट में जो भी विवरण दिए रहेंगे, जो भी डिटेल्स रहेगा, उस सारी डिटेल को आप आसानी से, आराम से पढ़ना, समझना, अपने एडमिट कार्ड से मिलान करना, सही मिल जाने पर आप उसे भरना, ठीक है। OMR सीट को नहीं मोड़ें, यानी OMR सीट को किसी भी तरह से आपको मोड़ना नहीं है, जैसा रहेगा वैसे ही उसको रखना है, उसे किसी तरह का मोड़ना नहीं है, उसे तोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है, नीला या काला कलम का उपयोग करें, यानी ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ करना है, ठीक है, ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ करना है। तो आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, जैक ने मॉडल सेट भी जारी कर दिया है, तो आपके एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, हो जाएंगे बहुत जल्दी, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं, OMR सीट पर रफ कार्य नहीं करें। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आपको कहीं रफ करने की ज़रूरत होती है, तो रफ करने के लिए पेपर अलग दिया जाएगा, लेकिन OMR सीट पे आपको रफ काम नहीं करना है, किसी भी तरह का उसमें लिखावट नहीं करना है, सिवाय आपके आंसर देने के, ठीक है। आगे देखते हैं, परीक्षा भवन छोड़ने से पहले वीक्षक को अपना OMR सीट सौंप दें, ठीक है। परीक्षा भवन को छोड़ने के पहले, जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपने कंप्लीट
जब आप कर लीजिएगा तो वहाँ जो मौजूद वीक्षक रहेंगे, जो आपके आसपास रहेंगे, आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होगी तो उसे सॉल्यूशन करने में वो मदद करें आपको, OMR शीट भरने में, समझने में। तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपको OMR शीट अपने वीक्षक के पास सौंप देना होगा, अपने वीक्षक को दे देना होगा, तभी आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे। ठीक है, जैक क्लास 8 सैंपल OMR शीट, ये OMR शीट भी दिया हुआ है नेट पे, आप जरूर से जरूर उसको देख लेना। तो ये कुछ बातें थी क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए, उनके बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप समझ गए होंगे, पॉइंट समझ गए होंगे, और आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। दिक्कत होगी तो आपके क्लास जो होंगे, एग्ज़ाम हॉल होगा, वहाँ पे वीक्षक मौजूद रहेंगे, उन्हें उनसे आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत समस्या होने पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। दिस चैनल हैज़ मैनी वीडियोज़ फॉर योर एग्ज़ाम, सो सी ऑल द वीडियोज़। सो थैंकिंग अगैन।